नमस्कार, आप हैं अमित सर के साथ और आज हम देखेंगे कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड ट्रिक देखने वाले हैं। आपको बता दें कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे टॉप रो, होम रो और बटन रो। आपको बताते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं टॉप रो, इसको कहते हैं जो बीच में है ASDFGHJKL, इसको कहते हैं होम रो। और सबसे जो लास्ट में है शिफ्ट के बगल में ZXCVBNM, इसको कहते हैं बॉटम रो। तो जितने सारे की हैं सारा का अलग अलग यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो की है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि टॉप रो में कितने की होते हैं, इंग्लिश के कितने की होते हैं, 10 होते हैं, और मिडिल में होते हैं 9, और लास्ट में जो मतलब होम रो में 9 होते हैं, और लास्ट में जो नीचे जो होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग बॉटम रो, उसमें होते हैं 7। टोटल मिला के 26 लेटर होते हैं। तो इसी में से सबसे ज़्यादा जो टफ होता है सबसे टॉप वाला होता है, टॉप रो में जो होता है यही टफ होता है टॉप रो में। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि इसको हम अपने माइंड पे कैसे याद रख सकेंगे, टॉप रो में कौन कौन सा की होता है, प्लस इस की को कैसे यूज़ कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग में, कि कौन सा की दबाने से कौन सा हिंदी टाइपिंग के लिए ये यूज़फुल होता है, उसके हिसाब से आज हम इसके बारे में ट्रिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे कि एक जैसे आप हो या फिर हम हैं या फिर कोई है, डब्लू नाम का कोई एक लड़का है जिसका नाम डब्लू है। नाम सुने होंगे डब्लू, कोई लड़का का नाम। तो आप डब्लू नाम के लड़का से आप बोल रहे हैं कि क्यों डब्लू, ये यार तो युवराज इंडिया और पाकिस्तान बोल रहा है। फिर से सुनिए, आप डब्लू से बोल रहे हैं कि क्यों डब्लू, ये यार तो युवराज इंडिया और पाकिस्तान बोल रहा है। इसका मतलब यही है, आपको बताते हैं, इसका मतलब यही है कि टॉप रो में जितने सारे की हैं इस की का शॉर्टकट जो है ना यही है, यही ट्रिक है। इसके माध्यम से आप सारा की याद कर सकते हैं। आपको बताएंगे आप एग्जाम में कैसे इसे यूज़ कीजिएगा, आपको ज़रूर बताएंगे। आप पहले पूरा देखिएगा ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए क्यू का मतलब क्यू हुआ, डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू हुआ, ए का मतलब ई हुआ, आर के मतलब आर, टा से टी, वाई से यू, यू से यू, आई से आई, ओ से ओ, पी से पी। मतलब आपको पता चल गया कि टॉप रो में कौन कौन से की होते हैं, आप वहाँ आराम से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो टॉप रो का एक की हो गया। अब इस की को यूज़ करते हुए हिंदी में टाइपिंग कैसे करेंगे, हिंदी में टाइप करना है कोई अक्षर तो इस की का कौन सा बटन यूज करेंगे कि हिंदी का टाइपिंग जो अक्षर होंगे वो टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक थोड़ा सा और ट्रिक देख लीजिए, छोटा सा ट्रिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि इन्होंने बोला, आपने बोला डब्लू से कि क्यों डब्लू, ए आर तो युवराज इंडिया और पाकिस्तान कर रहा है। तो फिर डब्लू कहता है कि रुको अभी चश्मा लगा रहे हैं, थोड़ा रुको चश्मा लगा लेता हूँ। डब्लू ने चश्मा लगाया, चश्मा लगाने का मतलब है हर्षहूकार दीर्घहूकार। देखिए चश्मा को ध्यान से देखिएगा, चश्मा का आकार देखिए, एक साइड का चश्मा हर्षहूकार, दूसरा साइड का चश्मा दीर्घहूकार। हर्षहूकार दीर्घहूकार मतलब क्यू यूज़ करेंगे तो हर्षहूकार हिंदी में टाइप होगा, डब्लू यूज़ करेंगे तो दीर्घहूकार हिंदी में टाइप होगा। तो डब्लू कहता है कि रुको चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने के बाद फिर डब्लू कहता है कि देखिए, कहता है कि मत जलना मत जलना पाकिस्तान ओ चोर है। मतलब मत जलना पाकिस्तान ओ चोर है, मतलब माँ ता से ता, जा से जा, ला से ला, एंड ना से ना, पाक को पा यूज करेंगे, ओ में वा यूज करेंगे, चोर में चा यूज करेंगे। अब देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से आप यूज कीजिएगा। देखिए ई के नीचे माँ है, माँ लिखेंगे, आर के नीचे ता, ता लिखेंगे, टी के जा, वाई के लेल, यू के ना, आई के पी, ओ के वा, पी के चा। इसी तरह आप एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, लिखना नहीं है रफ में लिखिएगा। और जब पूछा जाए
कि जल यूज कर, जल लिखने के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो आपके पास तो कीबोर्ड सामने रहेगा, आप तुरंत वहाँ से जा के लिए और टी और ला के लिए ओ वाई, टी वाई सही कर दीजिएगा, सही आंसर हो गया। अगर लिखना रहेगा तू तो आप क्या यूज कीजिएगा, तो तू के लिए पहले ता, ता के लिए आर, और फिर आर साहूकार लिखना हो तो क्यू लिख दीजिएगा, आर क्यू। अगर दुर्गई कार लिखना हो तो आर डब्ल्यू लिख दीजिएगा। देखिए इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, फिर से समझिए। सबसे पहले आप जो इस टॉप रो में की होते हैं इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए, क्यू डब्ल्यू ई आर, तो युवराज इंडिया और पाकिस्तान बोल रहा है, तो डब्ल्यू क्या कहता है, रुक चश्मा लगाता हूँ, चश्मा लगा लेता है जब डब्ल्यू डब्ल्यू, तो चश्मा लगाने के बाद कहता है मत जलना पाकिस्तान ओ चोर है। इसका मतलब है मत जलना पाकिस्तान ओ चोर है, मतलब है कि हर्षहू कार यूज़ करने के लिए हमको की यूज़ करना होगा, दुर्गहू कार यूज़ करने के लिए डब्ल्यू यूज़ करना होगा, मा लिखने के लिए ई यूज़ करना होगा, ता लिखने के लिए आर, जा लिखने के लिए टी, एल लिखने के लिए वाई, ना लिखने के लिए यू, पा लिखने के लिए आई, वा लिखने के लिए वा, चा लिखने के लिए पा। इस तरह से आप इसका हिंदी टाइपिंग में इस की का यूज कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि आप क्या कीजिएगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा जब, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको जब आंसर क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो नीचे एक थोड़ा सा रफ़ करने के लिए जगह दिया होता है, उस रफ़ पे जाके आप सबसे पहले फार्मूला लिख दीजिएगा। देखिए हमने लिखा है क्यू डब्ल्यू ए आर, तो युवराज इंडिया और पाकिस्तान का रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब लिख दीजिएगा, क्यू मतलब क्यू, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू, ये मतलब ई, आर मतलब आर, ता मतलब टी, यू आई यू, यू आई ओ पी, इसका मतलब लिख दीजिएगा। उसके बाद हिंदी में ये तो ट्रिक हो गया आपका की लिखने के लिए, टॉप रो में की लिखने के लिए, लेकिन हिंदी में इसका कहाँ यूज़ करते हैं उसका फार्मूला फिर लिखिएगा, उसका ट्रिक लिखिएगा। तो सबसे पहले चश्मा लगाइएगा, अब उसके बाद लिख दीजिएगा मत जलना पाकिस्तान तो चोर है। अब चश्मा का समझ गए मीनिंग, हर्षहू कार दुर्गहू कार होता है, देख लीजिए दिखता भी उसी तरह है। उसके बाद मत जलना माँ ई के सामने लिख दीजिएगा, ता आर के सामने, इस तरह से आप लिख के आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर सकते हैं। आपके सामने कीबोर्ड रहेगा, आपके सामने हिंदी का टाइपिंग के लिए वहाँ पे कीबोर्ड रहेगा, तुरंत आप देखिए नीचे देखिए और तुरंत उसको ऑप्शन सही कीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकेंगे। अगर आप ये सब नहीं याद करते हैं तो उस समय आप सोचते रहिएगा, और सोचते रहिएगा 2 मिनट आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट एक क्वेश्चन में ले लेगा, 2 मिनट 3 मिनट एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आपके पास टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, और 120 प्रश्न बनाना है आपको 2 घंटे में, 120 मिनट में, तो बहुत ज़्यादा आपको लॉस होगा। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप 1 से 2 बार इस ट्रिक को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो बच गया आपका होम रो और बॉटम रो, उस रो का जो ट्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, तो आप इसे शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा हमें इसका मतलब कि रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना जल्दी हम आपको होम रो और बॉटम रो का वीडियो लाएंगे, प्लस में और जितने टाइपिंग से रिलेटेड शॉर्टकट की हैं, और फिर आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उस सब पर भी मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे। तो आप इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक हमारे पेज को अगर लाइक नहीं किए तो ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, एक बार आप विजिट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही था मेरा ट्रिक, धन्यवाद।